हाय दोस्तों, वेट लॉस स्टोर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब देखो, हमारा लेब्राडोर नहाने वाला है, फर्स्ट क्लास नहाएगा। देखो कैसे नहला दो, पहले पूरा गीला कर दो पानी डाल के सब जगह पे। पूरा गीला हो जाना चाहिए, देखो सब जगह पे गीला हो जाना चाहिए। अच्छी तरह से गीला हो जाने के बाद हम उसको लगाएगा शैम्पू। मैं अपने डॉग के लिए प्रोकोड यूज करता हूँ, बढ़िया सा शैम्पू आता है। पूरा गीला होने के बाद उसको शैम्पू लगा दो अच्छी तरह से, सब जगह पे शैम्पू आ जाना चाहिए। प्रोकोट बढ़िया सा शैम्पू है, कोई स्मेल भी नहीं करता डॉग, और कीड़े बीड़े सब चले जाते हैं टिक डिक्स। अच्छी तरह से रगड़ के उसको नहला दो सब जगह पे। देखो हमारी बनी कैसे आराम से नहा रही है, इसको नहाना बहुत पसंद है। बढ़िया तरीके से नहाएगी, कुछ भागेगी नहीं, इसको तो बहुत मज़ा आता है पानी में। छोड़ दो, बढ़िया तरीके से नहाएगी। पूरा झाग निकल जाना चाहिए शैम्पू का। देखो सेट, हाँ बनी। पूरा रगड़ने के बाद उसको पानी डाल दो, पूरा शैम्पू साफ होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं लगता है। प्रोकोट बढ़िया सा शैम्पू है, बड़ी बनी बड़े शौक से नहाती है हमारे साथ। देखो हिलेगी भी नहीं, जितना पानी डालोगे उतनी देर खड़ी रहेगी, ये बढ़िया सा है। आपको मुंह पे शैम्पू नहीं लगाना है, मुंह पे खाली पानी ही मार देना है, मुंह पे कान में शैम्पू नहीं जाना चाहिए। देखो बढ़िया तरह से नहाती है, ये तो ऊपर हो गया, अब इसके पैर में हम लगाएंगे। ना देखो इसके पैर में, वो नीचे भी लगा दे। नो नो फिट फिट नहीं फिट फिट ओके। इसके चेस्ट पे बनी, नहाने के बाद इसके नाखून भी काटने हैं, फिर पूरा क्लीन हो जाए सब जगह पे, फिर इसके नाखून काटेंगे। मुंह धो देते हैं इसका थोड़ा सा, अच्छी हो जाएगी। अब बनी हम अब पूरे बॉडी में शैम्पू लगा रहे, मुंह पे नहीं, कान पे नहीं, दूसरी सब जगह पे लगा के और पूरा क्लीन हो जाना चाहिए पानी डाल के। और नहाने के बाद ये तो बढ़िया सी अपने आप को भी स्वच्छ समझेगी। देखो इसी तरह से आप अपने डॉग को भी नहला सकते हो। देखो